तो गाइज इंडिया में आपको सैमसंग गलेक्सी M10s स्मार्टफोन मिल जाता है 9,000 की कीमत में, और यहीं पे आपको वीवो U20 स्मार्टफोन जो है वो गाइज मिलता है 11,000 की कीमत में। कन्फ्यूजन इस बात का है कि यहाँ पे बेटर मिड रेंज स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है, सैमसंग गलेक्सी M10 या फिर बेटर हो सकता है वीवो का U20। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि सैमसंग गलेक्सी M10s और वीवो के U20 में से आपके लिए कौन सा बेटर स्मार्टफोन ऑप्शन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे पहले तो मिलेगी आपको डिटेल्ड कंपेरिजन सैमसंग गलेक्सी M10s एंड वीवो के U20 की, साथ ही जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो तो बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग आसानी से चॉइस चूज कर सकते हो कि यहां पे आपके लिए बेटर चॉइस जो है कौन सी हो सकती है। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को, बात कर लेते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो सैमसंग गैलेक्सी M10s में गाइस आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड जो कि सैमसंग की तरफ से आती है वो डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको फुल HD नहीं HD प्लस IPS डिस्प्ले जो कि इंफिनिटी वी शेप में आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लो अगर यहां पर वीवो के U20 में, तो गाइस यहां पे आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि आती है फुल HD प्लस IPS के साथ में, और वीवो कहता है कि ये है हमारा हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, जहां पे आपको मिलेगी प्रोटेक्शन जो है पांडा के M9228 की। सो ऑब्वियसली आपको प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, और जो स्क्रीन साइज है वो भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात कर लो अगर यहाँ पर कैमरा कंपेरिजन की, तो सैमसंग गलेक्सी M10s में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और मिलता है इसी स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सो ये आपके लिए एवरेज कैमरा स्मार्टफोन हो सकता है। साथ ही अगर मैं बात कर लेता हूँ वीवो के U20 से, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है जो आता है आपका 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही इसी स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। सो ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M10s से आपको दुगना यहां पे फर्क देखने को मिल जाता है। बात कर लो अगर बैटरी कंपैरिजन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M10s में आपको एवरेज 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 15 वाट का चार्जिंग एडाप्टर, और मिलता है टाइप सी पोर्ट टाइप सी केबल के साथ में। सो ये जो 4000 mAh का है ये एवरेज हो गया आज के टाइम में, क्योंकि सारे स्मार्टफोन में आपको 4000 या उससे अबव भी देखने को मिलते हैं। बात कर लो अगर यहां पर बैटरी कंपैरिजन में वीवो के U20 से, तो यहां पे आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 18 वाट का चार्जिंग एडाप्टर एंड माइक्रो यूएसबी केबल आपको मिलता है इसी वीवो U20 के डब्बे में ही। सो यहां पे आपको जो चार्जिंग स्पीड है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, और मिलेगी आपको कैपेसिटी भी वीवो के U20 में ज्यादा, बस डिफरेंस इतना सा है टाइप सी पोर्ट का। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लेता हूं प्रोसेसर कंपैरिजन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M10s में आपको एक्सिनोस का 7884B प्रोसेसर जो कि 1.66 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे आता है वो देखने को मिलेगा, और साथ ही यहां पे आपको वीवो U20 में मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो यहां पे ऑब्वियसली जो विनर है प्रोसेसर के मामले में वो है वीवो का U20, कोई सवाल ही नहीं है। बात कर लो अगर यहां पर स्टॉट स्कैनर स्कैनर की, तो सैमसंग गैलेक्सी M10s में आपको डेडिकेटेड ट्रिपल सिमट्रेस स्टॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और मिलेगा रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी। साथ ही साथ यहां पे वीवो U20 में भी आपको सेम टू सेम ट्रिपल सिमट्रेस स्टॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आती है डेडिकेटेड, और यहां पे भी आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। बात कर लूं बॉडी एंड कलर की, तो सैमसंग गैलेक्सी M10s में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलती है जो कि आती है कर्व एजेस के साथ में, और अगर मैं बात करता हूं यहां पे बॉडी एंड कलर की वीवो के U20 में, तो यहां पे आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाएगी सेम एज पॉलीकार्बोनेट यहां पे भी, पॉलीकार्बोनेट यहां पे भी, और यहां पे आपको 3D कर्व जो है वो शाइनिंग सरफेस देखने को मिल जाएगा। कलर जो है यहां पे आपको ब्लू एंड ब्लैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात कर लूं अगर कीमत की, तो सैमसंग गैलेक्सी M10s का एक इकलौता वेरिएंट है जो आता है 3GB रैम 32GB के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, जो 9000 का मिलेगा आपको। एंड यहां पे वीवो U20 में आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, 4GB रैम 64GB का वेरिएंट मिलेगा आपको 11,000 की कीमत में, एंड 6GB रैम 64GB का जो वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 12,000 की कीमत में। बात कर लेते हैं यहां पे मैंने आपको दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M10s एंड वीवो के U20 की, और अब चलते हैं कॉन्क्लूजन वाले पार्ट पे, जहां पे आप लोग फाइनली आसानी से चूज कर सकते हो कि आपको अपनी किस नीड्स के अकॉर्डिंग कौन से स्मार्टफोन को चूज करना चाहिए। तो गाइस यहां पे आ गए हम अपने कॉन्क्लूजन वाले पार्ट पे, और यहां पे आपकी जो थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजन है उसको भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो गाइस अगर आपका सबसे पहले बता देता हूँ बजट 9000 है, और अगर आपको ज़्यादा एवरेजली ज़्यादा अगर आप पहले बता देता हूँ एक्सपेक्शन क्या है, यहाँ पे आपको पहले मिलेगा आपको 9000 का अगर आपका बजट रेंज है, तो अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हो, ज़्यादा कैमरा स्मार्टफोन नहीं चलाते हो, अगर आपको थोड़े बहुत वीडियोज़ वगैरह देखनी होती है, एप्लीकेशन को यूज़ करना होती है, और साथ ही साथ अगर आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी लुक वाला स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M10s जो है बहुत अच्छी डील दे सकता है। 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि फुल HD तो नहीं होगी लेकिन HD जरूर होगी। यहाँ पे आपको एवरेज प्रोसेसर मिल जाएगा एक्सिनोस का 7884B, जो कि यहाँ पे आप लोग एवरेज गेमिंग ही कर पाओगे, आप डिसेंट गेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्पीड जो है 1.66 GHz की मिल जाएगी। आपको एवरेज 13 मेगापिक्सल का मिलेगा रियर कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का वो सेल्फी मिल जाएगी। 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी जो कि इस स्मार्टफोन में आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर पाओगे, और साथ ही यहाँ पे आपको बैक जो है पॉलीकार्बोनेट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आसानी से डैमेज
डैमेज नहीं देखने को मिलेगा। ये तो बात रही 9000 की कीमत में, और यहाँ पे आपको जो रैम एंड स्टोरेज है वो 332 का मिलेगा। बात कर लो अगर यहाँ पर कंपेटिवली वीवो के U20 से, तो सबसे पहले बात यहाँ पे जो बैटरी है उससे भी 1000 mAh ज़्यादा मिल जाएगी, 5000 mAh की। उसको चार्ज करने के लिए आपको अडेप्टर भी फास्ट मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेटर कैमरा स्मार्टफोन हो जाएगा मिड रेंज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको 16 MP का ट्रिपल कैमरा मिलेगा एंड मिलेगा 16 MP की सेल्फी भी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो 6.53 inches की मिलेगी, यानी 1.3 inches का आपको काफ़ी लंबा डिस्प्ले मिल जाएगा U20 में। और इसके ऊपर ऑब्वियसली जो प्रोटेक्शन है वो मिलेगी आपको पांडा के M9228 की, जो गोरिल्ला ग्लास से भी ज़्यादा अच्छी होती है। और मेन चीज़ यह है कि यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर है वो 7884B Exynos से भी कई ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो बैक है पॉली कार्बोनेट देखने को मिल जाएगी। अगर मेरे हिसाब से जो बेहतर डील है, अगर आपका बजट 9000 तक का है तब तो बिल्कुल, अगर आप लिमिटेड है कि अगर 9000 ही है लास्ट टाइम, तो यहाँ पे M10S बेस्ट हो सकता है, जहाँ पे आप लोग ज़्यादा एवरेज गेमिंग भी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा आप लोग मतलब इसको यूसेज नहीं कर पाओगे और रैम आपको उतनी ही लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग अच्छी खासी गेमिंग करना चाहते हो, अगर आपको बहुत अच्छी कैपेसिटी और काफी अच्छी बैकअप वाला, बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए, और मेन चीज आपको अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन भी चाहिए, और जिस पे आप लोग अच्छे से खेल सको लंबी वाली डिस्प्ले पे गेमिंग वगैरह भी, तो यहां पे आप 2000 एक्स्ट्रा लगा के वीवो की U20 तरफ जा सकते हैं। ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा मेरी तरफ से, मेरा ओपिनियन था ये। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि यहां पे आपको वीवो U20 पसंद आया या फिर पसंद आया सैमसंग गैलेक्सी M10S, किस बेस पे, किस रीजन की वजह से, ये सारी चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो में आपको क्या कुछ पसंद आया वो सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ सारी सारी डिस्क्रिप्शन की तरफ भर देना, और कुछ कमी अगर रह गया यो वीडियो में, कुछ ऐड ऑन और करना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ फीडबैक के जरिए लिख दीजिए, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में जिसको और ऐड करके और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। और जितनी भी अगर कमी वगैरह लग रही हो प्लीज़ सारे सारे आप भर दीजिए, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में आपको सारी कमी को दूर कर दें। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जब तक टाटा गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।